दोस्तों आखिरकार ये हो क्या रहा है? काइन मास्टर में एक के बाद एक प्रॉब्लम आते ही जा रही है। ये वाली प्रॉब्लम फिर से नहीं आ गई है। पहले जो प्रॉब्लम आई थी अपडेट का, अपडेट तो हम लोगों ने कर दिया, लेकिन अपडेट के बाद भी एक प्रॉब्लम आ रही है। उस प्रॉब्लम का ही सोल्यूशन लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट करके मुझसे पूछा जो भाई अपडेट तो मैंने अपने काइन मास्टर को कर दिया, लेकिन काइन मास्टर को अपडेट करने के बाद मैं अपने वीडियो को जब एडिट करता हूँ तो वीडियो में लेयर ही नहीं लगा पा रहा हूँ। मैं सेटिंग में जाकर लेयर वाले ऑप्शन को इनेबल भी कर दिया, उसके बावजूद भी मैं लेयर नहीं लगा पा रहा हूँ। इसका सोल्यूशन क्या है मुझे जल्दी जल्दी से बताओ, क्योंकि मुझे वीडियो अपलोड करना है। बहुत सारे दोस्तों ने यह कमेंट करके पूछा है। तो चलो, 6 घंटे से इस प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन ढूंढ रहा था, 6 घंटे के बाद मुझे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला है। इसलिए इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है। और देख लो, इतना गर्मी में भी वीडियो शूट कर रहा हूँ, पसीना भी चल रहा है, तब भी मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। इसलिए वीडियो को जरूर देखें, लास्ट तक देखना, और एक प्यारा सा लाइक करके कॉमेंट जरूर कर देना भाई वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और कौन सा टॉपिक पर वीडियो आप लोगों को चाहिए ये भी कॉमेंट जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। इससे पहले हमारा नाम जान लीजिए, हमारा नाम है राहुल, आप हमारे देख रहे हैं छोटा सा यूट्यूब चैनल गूगल ज्ञान। चलिए शुरू करते हैं। आपको अपने काइन मास्टर की सेटिंग में चले जाना है। यहाँ पर सबसे ऊपर में डिवाइस परफॉर्मेंस का ऑप्शन को क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो अनलिमिटेड लेयर के ऑप्शन में नोट सपोर्टेड दिख रहा है, आपको नीचे में जो एनालिसिस परफॉर्मेंस का ऑप्शन है उसको आपको इनेबल कर देना है। इस प्रक्रिया को होने में 5 से 10 मिनट का टाइम लग सकता है। इस प्रक्रिया के होने तक प्लीज़ डू नॉट टर्न ऑफ योर काइन मास्टर एंड स्विच टू अनदर ऐप, मतलब किसी भी अलग ऐप या काइन मास्टर को छोड़ के नहीं जाना है। इस प्रक्रिया को होने में 5 से 10 मिनट का टाइम लग सकता है। देखो, ये प्रक्रिया हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा जो 3 रिजोल्यूशन में आप अपनी वीडियो में लेयर लगा सकते हो। हमारा जो वीडियो लेयर का ऑप्शन है इनेबल हो चुका है, लेकिन एक सेटिंग को और करना है। एडवांस सेटिंग में जाना है और यहाँ पर आपको 60 FPS के ऑप्शन को इनेबल कर देना है और अलाउ अनलिमिटेड वीडियो लेयर को इनेबल कर देना है। अब आपका सेटिंग हो चुका है, आप अपन अनलिमिटेड लेयर लगा सकते हो।